मित्रों नमस्कार। मैं बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा आज आप लोगों को। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सर्किल में हैं, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या उनको लाइन पे ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। कुछ लोग आ जाएं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ। पप्पू राम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल जी भी आ गए हैं, शिवराज जी भी आ गए हैं, मोहन भाई भी आ गए हैं, मौर्या जी भी हैं। गुड इवनिंग मौर्या जी। हार्दिक भाई, डगली भाई, क्या हाल चाल है सर? मैं 5-7 मिनट के अंदर कुछ लोग और आ जाएं तो मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ और लोग हो जाएँ। रितेश भाई, रूपाली बहन, गुड इवनिंग। रूपाली बहन का तो गुड मॉर्निंग होता है हर वक्त। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि रूपाली बहन के गुड मॉर्निंग ही होता है। शुभान दास जी आ गए हैं, थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अतुल भाई भी आ गए हैं, अतुल जी। रूपाली बहन बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, देख सकते हैं चेहरे पे खुशी है, स्माइल है। थकान तो है, काम ज़्यादा करता हूँ। नीलू बहन चांद आ गई हैं गाजियाबाद से। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर में, कुछ लोग और आ जाएं। इन्फॉर्मेशन ऐसा है, सबसे पहले तो ओहो कैश का हमारा ऑडिट हो चुका है, आज हमने ऑडिट करा दिया है उसका कम्प्लीटली। साइट बहुत स्मूथ है। आप सब लोग अपने अकाउंट ओपन कर लें ओहो कैश के ऊपर और अपने जो KYC के डॉक्यूमेंट हैं वो लगा दें। आज रात से विड्रॉल्स के ब्लॉक बनने चालू हो जाएंगे, जो पेंडिंग ब्लॉक हैं वो सब क्लियर होने चालू हो जाएंगे। अभी हमने माइनिंग शुरू कर दिया है, जिसको रोका हुआ था। माइनिंग को इसलिए रोका हुआ था कि कुछ हरकतें ऐसी हो रही थी नोवा एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी वजह से जो हम 2 दिन पहले लॉन्च करना चाह रहे थे, विड्रॉल चालू करना चाह रहे थे, उसकी हमको भनक नहीं लगने दी उन्होंने और उसको शट डाउन करने का इन्फॉर्मेशन सबको दे दिया, और जिसकी वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुआ। तो आप सबसे पहले अपना ओहो कैश के ऊपर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, अपनी KYC करा लीजिएगा और आप अपना KYC वगैरह कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग डेडलाइन दे रहे हैं नोवा एक्सचेंज का कि कोई भी आदमी नोवा एक्सचेंज के ऊपर सेल परचेज ना करे अभी, क्योंकि हम उसको ऑनर नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी कॉइन वहाँ पे लोगों के पड़े हुए हैं आप वो विड्रॉल लगा दीजिएगा, आप वो उस कॉइन की विड्रॉल लगा दीजिएगा, और विड्रॉल लगाने के बाद हमारे ब्लॉक उसको क्लियर करेंगे और आपके कॉइन ओहो कैश में ट्रांसफर हो जाएंगे। आज रात से ब्लॉक बनने शुरू हो गए हैं, शुरू हो जाएंगे और आपके कॉइन ओहो कैश में आ जाएंगे। आप वहाँ पे उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दिन तक सिर्फ हम ओहो कैश एक्सचेंज को ही रखेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा कि नोवा एक्सचेंज ने एक साथ शट डाउन करने का प्लानिंग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बहुत तकलीफ होती है। बहुत स्मूथ हम जा रहे थे, सारे इंडिया की कॉइन मार्केट को काफ़ी तकलीफ में डाल दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। नो डाउट उन्होंने टाइम दिया 4 महीने का सबको, कि 4 महीने के अंदर, लेकिन पूरी इंडस्ट्रीज को हिला दिया। तो ये चीज़ उनको बिजनेस चालू रखना चाहिए था, उनको इस तरह का से पूरा 4 महीने में सब बंद कर देंगे वो सब अच्छा नहीं था। एनीवे हम 7 तारीख की शाम को, रात को 12 बजे तक का सबको टाइम दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर भी कि आप अपने कॉइन ट्रांसफ़र कर लीजिएगा 7 तारीख तक ओहो कैश में, और विड्रॉल लगा दीजिएगा। उसके विड्रॉल लगाने के बाद सारे कॉइन आपके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आप उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद कोई भी कॉइन को हम ऑनर नहीं करेंगे नोवा एक्सचेंज से जो ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए 7 तारीख से पहले जिसके भी जितने पास कॉइन है वो सारे के सारे वहाँ से विड्रॉल करके ओहो कैश के ऊपर आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आपके सब कॉइन सुरक्षित रहेंगे, आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसमें वर्कआउट कर सकते हैं।
जैती साहब बोल रहे हैं कि इसकी वजह से एटीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, एटीसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और चार पांच एक्सचेंज जो इंटरनेशनल लेवल के हैं हमने उनको अप्रोच किया है, वहाँ पे भी आएगा और ये भी सारा सारा हो जाएगा। ओहो कैश बहुत स्मूथ हो चुका है, अच्छी ट्रेन। अभी हमने सिर्फ एटीसी रखा है वहाँ पे, एटीसी बीटीसी, उसके बाद चार पांच कॉइन और आ रहे हैं, आप उसमें अच्छा ट्रेडिंग करके अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसी तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ध्यान रहे 7 तारीख की रात तक आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, उसके बाद में कोई भी ट्रांसफर वहाँ से ब्लॉकचेन स्वीकार नहीं करेगी, उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपको लॉस हो। तो आप सिंपल है शुरू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मंडे से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, आज रात से ब्लॉक बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके कॉइन वहां पे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आप विड्रॉल भी लगा सकते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स में, आप नोवा से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लॉक बनने शुरू हो जाएंगे आज रात से, जैसे जैसे ब्लॉक क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आप उसको ओहो कैश के ऊपर एंजॉय करते रहेंगे, और ये खुद का हमारा एक्सचेंज है तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हैं, और शायद उसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी जब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि कोई भी आदमी नोवा एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग ना करे, ले बेच ना करे, जो भी कॉइन आपके पड़े हुए हैं उन कॉइन को आप ट्रांसफर कर लीजिएगा ओहो कैश के ऊपर, जो ओहो कैश का रेट होगा वही फाइनल होगा, ओहो कैश वाला जो रेट होगा वही क्रिप्टो इनबॉक्स के ऊपर फाइनल होगा, अभी हम दूसरे एक्सचेंज में कुछ दिन तक नहीं जाएंगे जब तक इसको स्मूथ ना कर दें, उसके बाद जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके ऊपर हम डालेंगे, तब तक आप अपने कॉइन ट्रांसफर कर लीजिएगा ओहो कैश के ऊपर, आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ट्रेडिंग कीजिएगा, और साइड बहुत स्मूथ हो चुकी है, थोड़ा बहुत अभी उसमें कुछ कमजोरी रहेंगी तो हम उसको ठीक करेंगे जो भी एरर्स वगैरह आएंगे, बट 7 तारीख की रात को 12 बजे तक हम कोई भी कॉइन को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नोवा एक्सचेंज से क्रिप्टो ओहो कैश में, तो आप अपने कॉइन ट्रांसफर कर लीजिएगा 7 तारीख से पहले पहले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।